हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियंट एकेडमी वेलकम सी यू ऑल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को, जो है चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ विल यू शो द फॉलोइंग बैलेंसेस इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अलग अलग बैलेंसेस दिए गए, हमें सिंपली ये बताना है कि ये जो बैलेंसेज है वो बैलेंस शीट में कौन से साइड पर शो किए जाएंगे, कौन सा मेन हेडिंग होगा, कौन सा सब हेडिंग होगा जहां पर ये सारे बैलेंसेस को डिस्क्लोज किया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जो है क्रेडिटर्स। तो देखिए, क्रेडिटर्स जो है हेड ऑफ द बैलेंस शीट जो है इक्विटी लाइबिलिटीज, मतलब क्रेडिटर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड पर होगा। करंट लाइबिलिटीज इसका मेन हेडिंग है और अंदर सब हेडिंग जो है ट्रेड पेबल, वहां पर क्रेडिटर्स को डिस्क्लोज किया जाएगा। उसके बाद आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर शेयरहोल्डर्स फंड मेन हेडिंग है और सब हेडिंग है रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद आते हैं बॉन्ड, और बॉन्ड जो होते हैं वो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर शो किए जाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज जो है इसका मेन हेडिंग होगा और सब हेडिंग होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बॉन्ड जो होता है वो एक तरीके का हमारा लोन ही होता है, जैसा लॉन्ग टर्म के लिए हमने कोई लोन ली है उसी को बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड में सिंपली जो होते हैं आम जनता होती है वो इन्वेस्ट करती है। गुडविल, गुडविल जो है वो एसेट साइड पर शो किया जाता है और नॉन करंट एसेट में, नॉन करंट एसेट में भी सब हेडिंग आता है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी दो बाइफर्केशन है, दैट इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। गुडविल जो है वो इनटेंजिबल में डिस्क्लोज किया जाएगा। बैंक ओवर ड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट जो है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पर शो करना होता है। मेन हेडिंग है करंट लाइबिलिटीज और सब हेडिंग जो है वो होगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। देखिए, ये सारे जो मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स है अलग अलग बैलेंसेस को लेकर, ये आपको ध्यान पर रखने, याद रखने कि बैंक ओवर ड्राफ्ट जो है वो कहां पर आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मेन हेड कौन सा है, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कौन से साइड पर आता है, तो इक्विटी लाइबिलिटीज साइड पर। इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो जो था इस चैप्टर का, मैंने बताया था आपको कि ये जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट, इसको एटलीस्ट 5 टाइम्स आप लिखिए और इसको लर्न बाय हार्ट रखिए, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा ये सारे बैलेंसेस को अलग अलग जगह पर डिस्क्लोज करना। अब उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल्स, जो अगेन एसेट साइड पर आता है। करंट एसेट से इसका मेन हेडिंग और सब हेडिंग जो होगा वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में जो है डेटर्स भी आते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो इक्विटी लायबिलिटी साइड पर आएगा। शेयरहोल्डर्स फंड उसका मेन हेडिंग है और शेयर कैपिटल पर शो किया जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, दोनों यहीं पर शो किए जाते हैं। उसके बाद है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स एक इनटेंजिबल एसेट माना जाता है, तो वो एसेट साइड पर नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में सब हेडिंग होता है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी दो बाइफर्केशन होते हैं टेंजिबल इनटेंजिबल। कॉपीराइट्स शो किया जाएगा इनटेंजिबल पर। उसके बाद है डिबेंचर डिस्काउंट, इसको राइट ऑफ करना होता है नेक्स्ट ईयर्स में, इसको एसेट साइड पर हम शो करेंगे। मेन हेड होगा हमारा करंट एसेट्स और सब हेडिंग होगा अदर करंट एसेट्स। उसके बाद है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर, मेन हेडिंग है करंट लायबिलिटीज और सब हेडिंग है हमारा अदर करंट लायबिलिटीज में कॉल्स इन एडवांस को हमें शो करना रहता है। कैश, और कैश जो है वो एसेट साइड पर शो किया जाता है। मेन हेडिंग है करंट एसेट्स और जो सब हेडिंग है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर, नॉन करंट लायबिलिटीज और ये होती है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। प्रोविडेंट फंड जनरली एम्प्लॉइज जो होते हैं उनका पैसा होता है, इसीलिए कंपनी की लायबिलिटी होती है कि एम्प्लॉय जब रिटायर हो या यहां से रिजाइन करे तो उसे इसका पैसा उसे चुकाना होता है, इसलिए कंपनी की ये एक लायबिलिटी होती है जो जनरली लॉन्ग टर्म होती है। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स जो होते हैं वो इक्विटी लायबिलिटी साइड पर आएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज और ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद ट्रेडमार्क, अगेन एक इंटेंजिबल एसेट है, सेम इंटेंजिबल एसेट का जो है डिस्क्लोजर वो सेम तरीके से किया जाएगा जैसा आप देख सकते हैं। लूज टूल्स जो होते हैं वो इन्वेंटरी का पार्ट बनते हैं, एसेट साइड पर करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज। उसके बाद लोन पेएबल ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर ही लोन का अगर रीपेमेंट आ रहा है तो उसको विदिन 12 मंथ्स माना जाएगा, और विदिन 12 मंथ्स जो है वो करंट लायबिलिटीज होता है। करंट लायबिलिटीज जो है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर शो किया जाता है, और करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज जो सब हेडिंग है वहां पर लोन पेएबल ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर को डिस्क्लोज किया जाएगा। उसके बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल को इक्विटी लायबिलिटीज साइड पर शो किया जाता है, करंट लायबिलिटीज मानी जाती है और ट्रेड पेएबल्स पर डिस्क्लोज किया जाता है। ट्रेड पेएबल्स पर क्रेडिटर्स भी इंक्लूड होते हैं,
जैसा आपने ये फर्स्ट बैलेंस को देखा होगा। जनरल रिजर्व जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस कहां पर होते हैं? तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में सब हेडिंग होता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट जो है वो इक्विटी लायबिलिटी साइड पर, नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज में सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स एसेट साइड पर, करंट एसेट्स, और सब हेडिंग बनेगा उसका ट्रेड रिसीवेबल्स। पेटेंट्स अगेन एक इंटेंजिबल एसेट है, तो सेम वे में हम उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। कॉल्स इन एरियर्स जो है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर, शेयर होल्डर्स फंड में सब हेडिंग जो है शेयर कैपिटल, उसमें से कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट को माइनस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप पार्ट टू चैप्टर नंबर वन की जो हमारी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है कंप्लीट, उसको आप जाकर देख सकते हैं। कॉल्स इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट आपको बड़े ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट साइड पर शो किया जाता है, नॉन करंट एसेट्स, और ये होता है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब हमने डिबेंचर हमारा जो लायबिलिटी है, हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग लिया हुआ है, जब 5 साल के बाद उसका रीपेमेंट आएगा तो रीपेमेंट करने के लिए जो तुरंत पैसे हमारे पास नहीं होंगे, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते चलते हैं, ताकि जब डिबेंचर मैच्योर हो, जब डिबेंचर का पेमेंट आए, उस वक्त हमारे पास इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा हो कि सामने तुरंत ही हम उसको पेमेंट चुका दें। और ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। स्टोर्स एंड लूज टूल्स, ये भी एसेट साइड पर ही आएगा, करंट एसेट्स, और इन्वेंटरी बनता है। स्टोर्स, लूज टूल्स, इन्वेंटरीज होता है। लाइसेंसेस जो है ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है। लाइसेंसेस को भी देखिए आप टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, ठीक है। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें इंटेंजिबल एसेट की तरफ आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियस सी बात है हमारी इन्वेंटरी है। बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो किया जाता है। सरप्लस एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस में जो है हमारा सरप्लस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो किया जाता है। डिपॉजिट इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, हमने इलेक्ट्रिसिटी जो हम लेते हैं तो हमें डिपॉजिट करना रहता है। डिपॉजिट जो किया होता है वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो नॉन करंट एसेट में एसेट साइड पर शो किया जाता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए जो प्रीमियम भरा था वो कहां पर शो किया जाता है? तो इक्विटी लायबिलिटीज साइड पर, नॉन करंट लायबिलिटीज, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो है उसका सब हेडिंग बनता है। इस तरीके से हमने 30 बैलेंसेस को देखा कि इन 30 बैलेंसेस को जो है कौन से साइड पर, कौन सा मेन हेडिंग और कौन सा सब हेडिंग इसका होता है। तो मेरी उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ आपको ये भी रियलाइज हो रहा होगा कि कितना जरूरी है बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखना, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।